हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। अभी रात के 1:30 बजे, कल रात के 1:30 बजे पहुंचे थे हम जयपुर। तो अभी हम जयपुर हैं। गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग बेटा। ओए ओए लड्डू ले, हप कर दे, चल हप कर दे बेटा, हप हप कर दे, हप। देख लो शैतान को, हप। चंडीगढ़ से जयपुर आने के बाद जो गाड़ी की हालत है वो आप देख सकते हो, कितनी भयंकर खराब हो चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे काफी सालों से गाड़ी को धुलाया नहीं हमने। बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई है, बहुत ही ज्यादा। देख सकते हो आप, बहुत भयंकर। और जॉर्डन भी यहाँ नंगे पाँव घूम रहे, पता ही नहीं कहाँ घूम रहे नंगे पाँव। भाई 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 भाई, चरण पैर धो रहा था और अभी कुछ लेने जा रहा हूँ दुकान पे, वो जाना आज गांव की याद आ गई इसलिए। केजी डाटे की मेरी भाई, केजी डाटे की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। अभी मैंने इसको बोला ना लड्डू, हप 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 हप, बोलो मम्मी को, हप बोलो, हप बोलो, बोलो। फोन है कि मत, फोन है कि पकड़। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं जुड़े जिया मसाला सावन, अभी हम होटल से चेक आउट कर रहे हैं। जीरा और ये चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, इसको चुप करने के लिए हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। लड्डू लड्डू सावन ले लो, जीरा चूड़े चूड़े पानी की बोतल। मिर्ची 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 मिर्ची, चलो 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 चलो। और चार्जर रख लिया कि नहीं रखा? और ये टी-शर्ट कहाँ से मांग के लाया तू? हाँ, ये कपड़े लगते कहाँ से लेके आए हो आप? आपने दादागिरी कब से शुरू कर दी? तो अभी हम लोग आ गए हैं एक नई लोकेशन पे, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नई लोकेशन है। और जॉर्डन भाई तो यहाँ आ चुके हैं पहले, बहुत ज्यादा शानदार है। मैं क्या सामने रहता था तो द्रव्यवती नदी जा रही है जयपुर की, तो उसके जो दो पुल बने हुए हैं उनसे बहुत प्रेम लगता है, लगता है लाइक आउट ऑफ कंट्री हम बैठे हैं। तो अभी दिखाएंगे आपको, बहुत प्यारी लोकेशन है। हाँ, तो हमारे लिए नई है क्योंकि हम लोग पहली बार यहाँ शूट के लिए आए हैं। यहाँ से निकले तो हम काफी बार, लेकिन अंदर पहली बार जाएंगे। एक बार आए थे लेकिन यहाँ पे बंद था, बंद था। हाँ, कोरोना का टाइम था वो, तो उस टाइम। तो मिलते हैं आपको अंदर, दिखाते हैं क्या क्या चीजें। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ की, गिर जाओ फसो, यहाँ की लोकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, देख सकते हो। ये एंट्री करते ही बोल रहे हैं कि जगह बहुत ज्यादा प्रीमियम हो गई, लेकिन सही बताना अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो हम नाम के बराबर, हम जैसे कुछ गार्डन में चले गए तो सबसे बेस्ट लगी इतनी सी जगह घूमने के बाद। अच्छा, इतनी सी नहीं, ये पूरा गार्डन देखना, सही बताना अपना गार्डन गार्डन नहीं जाए दिल तो मानना। नहीं, नाम सुना था हमने यहाँ का, लेकिन आज आए अंदर। बाबू मेरे साथ रहोगे तो अच्छी अच्छी जगह पे घूमोगे, अब हम थोड़ी मेरे साथ रहोगे तो अच्छी अच्छी जगह पे घूमोगे भाई, तो अच्छा लग रहा है। अभी मीशा दी आ चुके हैं और हम बना रहे रील। कैसे पकड़ रखा है, क्या कर रखा है आपने? सही है, तो फाइनली आ चुकी है वो मीशा, हमारी स्टंटमैन, स्टंटमैन उछल कूद वाली लड़की, उछल कूद वाली लड़की, उछल कूद करती है बहुत ज्यादा। पता है, ये दीदी है, आपका क्या नाम है? मेरे नाम है दीपशिखा। और ये भी वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। आपका चैनल क्या है? आपका चैनल का नाम गुड लाइफ विद मिमी। अच्छा, तो इन्हें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, देखें इनकी वीडियो, बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाने लग गए हैं अभी। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मीशा ऑफिशियल, मैं एक जिमनास्ट हूँ, उछल कूद वाली लड़की नहीं हूँ, मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। क्या हूँ? जिमनास्ट। अच्छा, और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, और मेरा खुद का छोटा सा स्टूडियो रेट्रोफिट के नाम से जो कि वैशाली नगर में है, तो अगर किसी को ज्वाइन करना तो आओ। अभी आए हमारे साथ रील्स बनाने के लिए, तो थोड़ी बहुत रील्स बना लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी बारिश आ रही है।
थोड़ी आप इसके आगे बैठ जाओ, ये रहो, मैं दे दूंगा इधर आ जाओ, इधर की साइड वीडियो इसको हटाऊं, ऐसा एंगल रखना है, ठीक है मैम देखो इधर आओ, काम है ये एंगल रखना है, ठीक है थोड़ा सा नीचे और अपनी तरफ से कर दो, ईशा आप आके ऐसे बैठो के फिर आप जैसे भाभी जी करो ही जैसे हम थोड़ा ज्यादा करो ना, अब मैं जैसे ही कोशिश करूंगा फिर आप पर पूरे सोशल मीडिया से इतने पैसे कमाते लेकिन फिर भी फोन का स्टोरेज फुल हो गया, बताओ यार गलत बात है कि नहीं बताओ, ठीक है आप भी कुछ दो लोग बन रहे हैं, कहाँ जाना है लोग बन रहे हैं, दीपक तो निकल गए थे और हम रुक गए हमारे गांव, मैं रुक गए मेरे गांव मतलब, और ये देखो ये लड्डू कहाँ पे खेल रहे थे उसके नीचे जाके खेल रहे हैं, देखो लड्डू लड्डू इधर आ, ए लड्डू ए लड्डू लड्डू ये काश पढ़ाई कर रहा है लड्डू को खिला रही है, आजा लड्डू। तो गाइस अभी 25 सुबह के 10 और हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं और मेरे लड्डू देख खेल रही है, और देखो उसने पानी ढोल दिया तेरी, देखो शैतान, और मेरी भी हो चुकी है तबीयत खराब, इतना भयंकर गला जलन हो रहा है जिसकी कोई याद नहीं है, लड्डू को बस एक मक्खी दिखी जाए फिर उसके पीछे पड़ जाती है ये देखो तो लड्डू को लेकर आ गए हैं, आ गए हैं सोनिया, कल गांव छोड़ गया था मैं सोनिया को, तो भी लेने आया हूँ जस्ट, तो जा रहे हैं घर पे, ये सोनिया ले और इसके सामान देखो पीछे, तो अभी हम घर से निकल गए हैं, ये मार्च हमें लेने आ गए थे, हम तो सो रहे थे हमें मालूम नहीं था कि ये आ चुके हैं, कुछ बोलना चाहोगे आप? बस कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, तबीयत थोड़ी खराब है, तबीयत मेरी भी खराब हो चुकी है, गला इतना भयंकर वाला दर्द कर रहा है, और ये लड्डू देखो गाने गा रही है और अभी बहुत ही भयंकर वाली बारिश आई थी, थोड़ी सी देर आई थी होगी लेकिन जबरदस्त आई थी, मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है, हाँ। और हल्के फुल्के छींटे भी आ रहे हैं, तो अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और देखना घर वालों की रिएक्शन, मैं तो आ गया था पहले, मेरे लिए तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, आपके होगा। लिए नहीं होगा, होगा हमारे लड्डू के लिए, लड्डू के लिए देखना सब कितने एक्साइटेड हो रहे हैं इसको लेने के लिए, ओ भाई पकड़ो इसको, और ये देखो इतनी खुश हो रही है लड्डू, दो चक्कर करने हैं, चलो अले मेरा, चलते हैं घर पे, चलते हेलो बाप, दादा ने बुला, अब करो अब दादा ने बुला, दादा ए दादा।
तो फाइनली इधर का काम खत्म हो चुका है, साफ सफाई बाकी है बस इधर की। अरे सब्जी याद आई लड़ जाओ मत होते मार बारी लड़े जो मैं वो पीयो ले बात देख लीजिए अरे गली मनवा के खाई ए अच्छा क्यों आईया लड्डूड़ा बेटा बोल रे आईया बेटा बोलना मत देख ले बात तो किसी को मम्मी